आज का दिन हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का आह्वान है पूरे देश में जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इंडिया खेल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रुड़की नगर वासियों को आज खेल दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार देखने में आ रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनका जो रुझान है वो खेल की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जहाँ आदमी का मानसिक स्तर स्वस्थ होगा, वहीं साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। देखिए, सबसे पहले मैं खेल दिवस पर सभी देशवासियों को और युवा खिलाड़ियों को और ये जो हमारी युवा शक्ति हैं, जिसमें जो हैं लड़कियां बड़ी शामिल हैं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि देश के निर्माण में इस खेल के द्वारा जो है एक अमूल्य योगदान जरूर दें। यहाँ पर सोनाली पुल के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, रग्बी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। और यहाँ पर जिनको रुड़की की जिम्मेदारी वो पहुँचे हैं, श्रीमान प्रदीप बत्रा जी जो कि विधायक हैं, और श्रीमान गौरव गोयल जी जो कि महापौर हैं, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर से जानते हैं, खेलो इंडिया चल ही रहा है सर सरकार का, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग अब रग्बी को भी यहाँ पर देखा जा रहा है रुड़की में? आज का दिन हम खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का आह्वान है पूरे देश में जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इंडिया खेल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आज यहाँ बच्चों का प्रयास है कि रग्बी गेम उत्तराखंड की टीम यहाँ पर है और बहुत अच्छे बच्चों ने प्रयास किया और ये स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया और सभी लोगों में बहुत उत्साह है खेलने का और बहुत जोश है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे खूब आगे बढ़े और आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल टीमें बच्चे रुड़की के पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स को लेकर कुछ चल रहा है आपकी तरफ से कि भाई स्पोर्ट्स को और मोटिवेट किया जाए यहाँ पर बच्चों को और खेलों में भी क्रिकेट को छोड़कर? स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ किया गया और भी आगे बहुत कुछ किया जाएगा। रुड़की के लिए स्टेडियम का निर्माण चल रहा है जिसमें कि बास्केटबॉल और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा नए स्टेडियम का भी प्रपोजल किया हुआ है, उसके लिए भी बजट मंजूर होने वाला है और जल्दी मिनी स्टेडियम के रूप में आपको नया स्टेडियम जो दिखाई देगा। और रुड़की में हम लोग चाहते हैं कि रुड़की जो टैलेंट है वो उभरकर आए, रुड़की के बच्चे आगे बढ़े लगातार और देश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन हो। महापौर हमारे साथ मौजूद जी, सर क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं रुड़की नगर वासियों को आज खेल दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लगातार देखने में आ रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनका जो रुझान है वो खेल की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जहां आदमी का मानसिक स्तर स्वस्थ होगा, वहीं साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और अब खेल के रूप में जिस प्रकार आज ये लगभग 80 बच्चे यहाँ पर रग्बी खेल जो अब तक हम लोग कम देखते थे यहाँ खास तौर से उत्तराखंड में, इसकी शुरुआत हुई है और बहुत अच्छे से हमारे बच्चे बच्चियाँ सब लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। 80 की संख्या में आज ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा है, 4 टीमें यहाँ पर हैं। और ज़िले के सभी बच्चों को मैं, इस खेल से जुड़े हुए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो जहां अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं, वहीं अपने अपने मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। मेरी ओर से पुनः इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर निगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है भाई ग्राउंड्स को लेकर, ग्राउंड की फैसिलिटीज़ को लेकर के, और साफ़ सफाई रहे, तो किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी ग्राउंड्स हैं, जहाँ पार्क्स हैं, या बच्चे जहाँ भी एक्टिविटीज़ अपने कर सकते हैं, वहाँ लोग हमेशा हम अवेयर हैं। इसके साथ साथ ये सोलर नदी का बहुत अच्छा पार्क डेवलप हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बाड़ लगी हुई है इसके, और इसका पूर्ण उपयोग यहाँ के बच्चे और स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा विधायक जी ने बताया, नेहरू स्टेडियम का प्रपोजल लगभग 5 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का हमारा गया हुआ है, बहुत जल्दी ही पास होने वाला है। उसके बाद नेहरू स्टेडियम शहर के मध्य में एक ऐसा स्थान होगा जहाँ सभी लोग स्पोर्ट्स के लिए। सर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं खेल दिवस पर सभी देशवासियों को और युवा खिलाड़ियों को और ये जो हमारी युवा शक्ति हैं, जिसमें जो हैं लड़कियां बड़ी शामिल हैं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि देश के निर्माण में इस खेल के द्वारा जो है एक अमूल्य योगदान जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें समय देने के लिए। संयोग जी जो हैं, सूर्यकांत सैनी जी, इनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, इनसे भी ये जान लेते हैं, सर क्या कहेंगे? मैं सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी यहाँ पर समय लगाया और हमारे जो छोटे
और बड़े स्केल के बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ाया, और भविष्य में हम आपसे कुछ मांगे करेंगे और उन मांगों को आपको पूरा करने का प्रयास करना होगा, और हम इस ग्राउंड को एक राष्ट्रव्यापी ग्राउंड बनाने के संकल्प लेकर इसमें उतरे हैं, और इसमें चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का ग्राउंड क्यों ही ना हो, इसे हम रुड़की का ग्राउंड मानकर चलेंगे और इसमें पूरा विकास कार्य होगा, तो और जिससे कि यहाँ पर रग्बी इंडिया का जो रग्बी उत्तराखंड का गेम है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रुड़की में रग्बी का नाम भी मुझे लगे 90% लोगों ने नहीं सुना सही से, और इस रग्बी को हम बढ़ाएंगे और खेल खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर पहुँचे हैं जिनको रुड़की की जिम्मेदारी, और ये बहुत अच्छा गेम यहाँ पर होता हुआ है, स्पोर्ट्स इवेंट होता हुआ है रग्बी का, और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं बैठे हुए हैं, और ऐसे स्पोर्ट्स होते रहने चाहिए रुड़की में, साफ तौर पर कहा कि भाई ऐसे स्पोर्ट्स होते रहने चाहिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे बीच रिबन प्रदीप पत्रा और माननीय गौरव जी रिबन को काटते हैं, क्लैपिंग करते रहे यहाँ साथ में, क्लैपिंग मत रोकिए, हमारे ऑडियंस हैं वो भी क्लैपिंग करते रहे, क्लैपिंग को मत रोकिए प्लीज, क्लैपिंग।